आप गाड़ियाँ लोहार हो? गाड़ियाँ लोहार। गाड़ियाँ लोहार का मतलब? गाड़ियाँ लोहार या लोहार? लोहार। लोहारिया जो लोहे का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, चलते फिरते लोहारी। अच्छा, चलते फिरते हो। आपका घर? आपका हमारा घर है वहाँ अलुंडा। अलुंडा? हाँ, अलुंडा अलुंडा। वहाँ रहते हो कभी? मकान है। कभी रहते नहीं? रहते चौमासे में रहते। बारिश बरसात में रहते हो? बाकी? बाकी ऐसे चलते फिरते रहते हो हमेशा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोहार बंजारों से जुड़ी बहुत सी जानकारी देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लोहार बंजारे कौन होते हैं, लोहार बंजारों का और गौर बंजारों में क्या संबंध है, आखिर लोहार बंजारे अभी तक स्थिर क्यों नहीं हुए हैं। इसके अलावा भी लोहार बंजारों से जुड़ी बहुत सी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बंजारे कई प्रकार के होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि बंजारे कितने प्रकार के होते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख लेना, जिसमें हमने बताया था कि बंजारे कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार के होते हैं लोहार बंजारे, जिसे गौर बोली में लोकूटन शब्द से पुकारते हैं। लोकूटन का मतलब होता है लोहा पीटने वाले, यानी जो लोहे के हथियार बनाते हैं। आपको बता दें कि लोहार बंजारे लोहे के हथियार बनाने में अत्यंत माहिर होते हैं। कुल्हाड़ी, हथौड़ी, हसिया, खुरपी आदि लोहे के हथियार बनाकर बेचते हैं और गांव-गांव जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ना ही इन लोगों के पास जमीन होती है और ना ही पक्के घर द्वार होते हैं, इस वजह से ये घूम फिरकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। कितनी मुश्किल की जिंदगी जीते हैं ये लोग। आपको मतलब अच्छा लगता है ऐसे घूम घूम के काम करना, इसलिए घूमते हो या कोई अच्छा मजबूरी? नहीं लगता है, ये हमारी मजबूरी हो। अजनंदा है नहीं, खेती है नहीं, ये क्या खिलाएं बच्चा? हमको तो अच्छा थोड़ी लगता है, बच्चा बच्चे का तो पेट भरेंगे नहीं भरेंगे। अच्छा, इसलिए घूम घूम के घूमते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी होते होती तो उसमें पैदा करके खिलाते, खेती बाड़ी है नहीं। हमको कुछ थोड़ी आती है गाँव गाँव डोलने की, कोई जगह अच्छी मिलती है कोई बुरी मिलती है, इसमें भी खाना बना के खाते। अच्छा, कई भाई लोग ये सवाल कर रहे थे कि गौर बंजारे और लोकूटर बंजारे एक ही हैं या अलग अलग। तो आपको बता दें कि गौर बंजारों की संस्कृति लोकूटर बंजारों से काफी ज्यादा अंतर है। क्या क्या चीज बना देते हो? मसाला बना देते, करवाड़ी बना देते, फावड़ी बना देते, चीनी तोड़ी, सब चीज जो बनवाता है जो बना देते, लोहे की बना देते। जैसे कि गौर बंजारों में नायक यानी मुखिया, कारभारी, नसाबी बनाए जाते हैं, जबकि लोकूटर बंजारों में ऐसा नहीं होता है। गौर बंजारों में तांडा स्ट्रक्चर और तांडे को चलाने के इनके कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे कि गौर बंजारों में हुक्का पानी की रस्म होती है, जिस रस्म को केवल ये गौर बंजारे ही मानते हैं। अपना हुक्का किसी दूसरी जाति को छूने नहीं देते हैं, जबकि लोकूटर बंजारों में ऐसी रस्म नहीं मनाई जाती है। लोहार बंजारे अपने आप को राजपूतों के वंशज मानते हैं। हमारा सोलंकी गोत है। अच्छा, सोलंकी हो आप? सोलंकी है। सोलंकी और सोलंकी, पुआर, सांगर, छाकला, चौहान, हमारी जात ठाकरों में मिलती केली का ठाकर है चित्तौड़। अच्छा, उसी प्रकार गौर बंजारा जात के लोग भी अपने आप को क्षत्रिय पुकारते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गौर बंजारे और लोकूटर बंजारों में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं चलता है, यानी लोकूटर बंजारों के साथ गौर बंजारे शादी व खाने पीने का भी रिश्ता नहीं रखते हैं। हाँ, लोहार बंजारों की एक खास बात यह है कि लोहार बंजारा गौर भाषा बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि काफी समय पहले ये लोकूटर बंजारे गौर बंजारों के तांडे में जाकर लोहे के हथियार बनाने की पूर्ति किया करते थे। गौर बंजारों के साथ व्यापार करने से बहुत सा कल्चर गौर बंजारों सा हो गया है। वैसे ये गौर बंजारों से सर्वथा भिन्न समुदाय है। दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इनकी शादियां भी चलते फिरते ही हो जाती है। जब इनको अपने बच्चों की शादी करनी होती है तो किसी एक जगह महीने दो महीने के लिए रुक जाते हैं और शादी होने के बाद फिर घूमने लगते हैं। ये जाति अपने आप में ही शादी करती है, किसी और जाति से शादी नहीं करती है। आपकी शादियाँ कैसे करते हैं? शादी ऐसे, जैसे आपकी बच्ची है उसकी शादी करोगे तो ऐसे घूमते घूमते किसको कैसे ढूंढोगे, उसका पता कैसे चलेगा? अभी ऐसे है कि इस गांव में गांव वाले कह देगा भैया शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
वहाँ पर शादी वहाँ पर महीना दो महीना पहले गाड़ी रोक देते है। अभी तुम जान पहचान के तुम्हारे पास फोन करके पूछ लिया भाई वो लड़का अच्छा है बुरा है कौन परिवार अच्छा है और वो अगला कह देता है। अच्छा अपने समाज में ही करते हैं अपने समाज। दोस्तों अब बात करते हैं लोहार बंजारे आज भी एक जगह पर स्थिर क्यों नहीं रहते हैं। लोहार बंजारों में ही एक कहानी प्रचलित है कि जब महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने अपने महलों का त्याग किया था। तभी उनके साथ बंजार जात के हजारों लोगों ने अपना घर द्वार छोड़कर महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों से लड़ाई की थी और महाराणा प्रताप के सैनिकों के लिए हथियार बनाने का काम किया था और बंजारों ने प्रण लिया था कि जब तक हमें इन मुगलों से आजादी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग घर स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से आज तक इन्होंने अपने घर नियत नहीं किए हैं और आज भी हथियार बनाकर अपना पेट भर रहे हैं और दिन रात राणा प्रताप की फौज के लिए तलवारें बनाई थी। इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में राजाओं को बहुत ज्यादा मदद की थी। इसी समाज को आज गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। आपको बता दें कि गौर बंजारे इन्हें लोकूटर के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों ये थी लोकूटर बंजारों से जुड़ी कुछ खास जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास में ऐसी ही जानकारी सबसे पहले भी पहुँच सके। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय से भला।